तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने एक लाइन में बोल दिया कि पूरी नजर है और उसके बारे में जब खड़गे जी परसों आ जाएंगे उसी दिन लगाएंगे, साथियों पे लगाएंगे, नजदीकों पे लगाएंगे, मुझ पर कितने नीचे से नीचा आरोप लगा लो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट ने सीधे चुनौती देते हुए अपनी 5 दिन की पदयात्रा शुरू कर दी है। उसमें जो भीड़ जुट रही है उससे काफ़ी वो उत्साहित हैं। इस बीच जो राजस्थान के प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने एक बैठक की है और बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ साफ संकेत दिया कि कर्नाटक परिणाम आने के बाद जैसे ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे उनको वो बताएंगे पूरी बात और तब होगा फैसला। सुनिए क्या कर रहा है सुखजिंदर सिंह रंधावा। उसके ऊपर उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नज़र रख रहे हैं। और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे एक एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। सरकार को एक चुना हुआ विधायक, आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता सरकार को ही कह रहा है, ये तक कह रहा है कि सोनिया गांधी को नहीं वसुंधर राजे को नेता मानते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि उनकी निजी यात्रा है, इसके ऊपर जब खड़गे जी आएंगे, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट आएंगे, उनके साथ हम बैठकर बात करेंगे और उनको सारी रिकमेंडेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने एक लाइन में बोल दिया कि पूरी नजर है और उसके बारे में जब खड़गे जी परसों आ जाएंगे उसी दिन मैं अपने व्यूज कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दूंगा। उन्होंने कहा उनकी निजी राय, पॉलिटिकल में तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि पानी पिलाया, ऐसी बात नहीं है। और ये जो पॉलिटिक्स है इसमें हर आदमी का सत्कार होना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचे बात नहीं करनी चाहिए। तो इशारा कर रहे हैं, जो उन्हें बताना होगा पार्टी अध्यक्ष को बता देंगे, सोनिया गांधी को बता देंगे, उसके बाद क्या फैसला होगा ये नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या पायलट की प्लानिंग है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सचिन पायलट से जब वो पूछा गया कि आखिरकार ये पद यात्रा किसके खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि तो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाल रहे हैं और जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। सुनिए सचिन पायलट ने क्या कहा। जब हमने मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया, और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकला, लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि कार्रवाई होने वाली नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में जाकर आप सबका समर्थन ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान में नया आगाज हो और हम सब लोग मिलकर ये दीमक की तरह हमको करप्शन जो भ्रष्टाचार खा रहा है इसको खत्म करें। मेरे खिलाफ अगर कोई आरोप लगाता है मैं उसको जनता के सामने रखना चाहता हूं। मेरी राजनीति आपके सामने है, स्वर्गीय पायलट साहब की राजनीति आपके सामने है, हमको भी जनता के आशीर्वाद से बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला, लेकिन इन 45 सालों में मेरा सबसे घोर विरोधी भी होगा वो हम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन राजनीति है, अभी तो ये आरोप लगे, हम सड़कों पर निकले हैं, ना जाने और क्या क्या आरोप लगाएंगे, मुझ पर लगाएंगे, साथियों पर लगाएंगे, नजदीकियों पर लगाएंगे, मुझ पर कितने नीचे से नीचा आरोप लगा लो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत बैल किसी से नहीं, मेरी व्यक्तिगत जगह लाए किसी से नहीं, मैं तो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूं,
नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने की बात कर रहा हूँ। सुना आपने, कह रहे हैं कि जब वो सड़कों पे निकले हैं तरह तरह के आरोप लगेंगे, उनके समर्थकों के खिलाफ लगेंगे। अपने पिताजी का हवाला दे रहे हैं, राजेश पायलट का 45 साल की राजनीति का हवाला दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके जो विरोधी हैं वो भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। इतनी साफ सुथरी उन्होंने राजनीति की है, इसके बावजूद पार्टी के अंदर से ही आवाज़ उनके खिलाफ उठ रही है और उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन इससे डर करके वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हैं वो पीछे कदम हटाने वाले नहीं हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि जो वायदा किया गया था वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे उसकी जांच हो। लेकिन ये सबको पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के संबंध कितने अच्छे हैं। भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई, लिहाजा सचिन पायलट खफा हो गए। मानो वक्त का इंतजार था, वो वक्त आ गया है। राजस्थान चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और वहाँ की परंपरा रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस परंपरा को कांग्रेस तोड़ना चाहती है, अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है। सचिन पायलट को ये कतई गंवारा नहीं है, क्योंकि जब 2018 में वहाँ पे चुनाव हुआ था तब अशोक गहलोत दिल्ली में बैठे हुए थे, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। जब पार्टी सत्ता में आई तो थीन मेजोरिटी का हवाला दे करके जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को बिठा दिया गया था और वहीं से जो है लड़ाई शुरू हो गई थी। बस सचिन पायलट ने बगावत कर दी, फिर किसी तरीके से मामला संभला, लेकिन दिल नहीं मिले, मतभेद कायम रहे और अब चुनाव आ गया है। पायलट को ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, किसी भी सूरत में वो अशोक गहलोत को सीएम के रूप में नहीं देखना चाहते और सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट को नहीं देखना चाहते हैं वो सीएम बने। दोनों से तरफ से जिद का सवाल हो गया है, ईगो का सवाल हो गया है और ये ईगो का टकराव कांग्रेस को कहां ले जाएगा राजस्थान में, और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल खड़ी है। सचिन पायलट को छोड़ती है तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उससे खिसक सकता है, और यदि अशोक गहलोत को छोड़ती है तो भी दिक्कत है। लेकिन फैसला तो करना होगा, इसीलिए कर्नाटक चुनाव के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है कि उससे देश में एक नए तरीके का माहौल बनेगा। यदि कांग्रेस जीतती है, जैसा कि अधिकांश एग्जिट पोल में उसे बढ़त दिखाई गई है, तो उसका मनोबल बढ़ेगा, उसे संजीवनी मिलेगी और फिर उसे एक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। कांग्रेस राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देना चाहती। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ कार्रवाई करके कांग्रेस फंस गई थी, वहाँ पे सत्ता भी हाथ से चली गई, वैसे ही अब अशोक गहलोत से नहीं करना चाहती। सचिन पायलट के लिए हमेशा उसका दिलासा रहा कि अभी आपके पास समय है, उम्र है, आपको मौका जरूर मिलेगा। लेकिन सचिन पायलट है कि मानते नहीं कि उन्होंने जो पार्टी को सत्ता दिलाई और जब सत्ता के लिए ताज पहनने की बारी आई तो फिर अशोक गहलोत को आगे कर दिया गया, ये उन्हें कतई गंवारा नहीं है। अंजाम चाहे जो भी हो, 5 दिन की यात्रा है और दोनों तरफ से तनातनी है, बयानबाजी हो रही है, पार्टी को फैसला करना है। इंतजार रहेगा कि पार्टी क्या तय करती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।